प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोकल फॉर वोकल को लेकर इस बार अपने त्योहारों को भारतीय उत्पाद के साथ मनाने की बात कही थी। उसी का अनुसरण करते हुए रतिया के लोगों ने इस बार स्वदेशी वस्तुओं से होली खेलने का निर्णय लिया है। इस बारे में ग्राहकों ने बताया कि वे बिना केमिकल युक्त रंग ले रहे हैं और ऐसे उत्पाद ले रहे हैं जो भारत में निर्मित हैं। उससे जो हमारे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और इसके साथ साथ वे हर्बल रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार ग्राहक केमिकल युक्त रंगों से भी परहेज कर रहे हैं। ग्राहकों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री का निर्णय है बहुत अच्छा है, इससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए वह इन रंगों का गुलाल का प्रयोग करें। दुकानदारों ने अपनी बातचीत में बताया कि इस बार भारतीय उत्पादों की बिक्री है और ज़्यादा हो रही है, इस बार लोग भारतीय रंग पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने लोकल फॉर वोकल पे हमारे को होली का सामान बेचने के लिए बहुत ही अनुमति दी है। तो हम भी मतलब दुकान पे जो अपना गुलाल है बिल्कुल नेचुरल कलर भेजते हैं, बच्चों को ना नुकसान पहुंचाने वाला, मतलब किसी की उससे स्किन रिएक्शन ना हो, तो इसके लिए हम बिल्कुल नेचुरल गुलाल भेजते हैं। पक्का रंग भी बहुत ही बढ़िया भेजते हैं हमें, जिससे नुकसान ना हो किसी भी प्रकार का। कस्टमर मतलब गुलाल लेके बहुत ही खुश हैं, बहुत ही हमारे पास, हम काफ़ी टाइम से मतलब गुलाल वगैरह का काम कर रहे हैं होली का, तो हमारे पास कस्टमर भी बहुत ही बढ़िया भीड़ है, तो कस्टमर लेके बहुत ही खुश हैं। लेने आया हूँ, मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल कलर है और आप देख सकते हैं इसमें कोई केमिकल नहीं है। जैसा कि हमारी सरकार कहना चाहती है कि बिना केमिकल का रंग का आप प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह इन्होंने सरकार के कानूनों को मध्य में रखते हुए इन्होंने कलर्स मंगाए हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है। और मैं लोगों से यही भी कहना चाहता हूँ कि हम इन्हीं से ऐसे ही रंगों का प्रयोग करें जो कि बिना केमिकल प्रयोग, ताकि बच्चों को, किसी की त्वचा को कोई नुकसान ना हो। और बस इतना ही कहना चाहूँगा।